क्या बोलती है पब्लिक? ओ नो, यार गिरिया लग गई यार, गिरिया लग गई। तू तो अपने टाइम का साला यार, पुष्पा था, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, साला झुक के बैठ गया, चल उठ यार। अरे नहीं उठा जा रहा मेरे से, मेरे भाई नहीं उठा। अरे अपने हौसलों से हार नहीं मानते, उठना पड़ेगा। नहीं मैं तो नहीं उठा जा रहा, हिला ही नहीं जा रहा। देखो ये तो अपने हार मान गया अपने हौसलों से और नहीं उठ पा रहा है। सुनो, उससे तो उठा नहीं गया क्योंकि वो अपने हौसलों से हार मान चुका था। लेकिन लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जहाँ हम बार बहुत सी चीज़ें खो देते हैं। शायद उससे हमारी खुशियाँ भी छिन जाती है, हमारी सुख सुविधाएँ छिन जाती है, हम बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं। लेकिन एक ऐसी ही चीज़ होती है जो अगर हम नहीं खोने दे तो उससे बहुत कुछ बना सकते हैं, और वो चीज़ होती है हौसला। और हम आज एक ऐसे ही हौसले की बुनियाद वाले बंदे से आपको मिलाएंगे। जी यार, जी हम बात कर रहे हैं मोहन ब्रांडेड फुटवेयर के एक प्रोपराइटर मिस्टर गुलशन हेमनानी की, जिन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा, क्या चीज़ अवेलेबल है, और उनसे दो चीज़ बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने शोरूम को एक नए सिरे से वापस स्टार्ट किया है। तो देखिए आप। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। हम आ चुके हैं यहाँ पे मोहन ब्रांडेड फुटवेयर के, और अब हम आपको मिलाते हैं वहाँ के प्रोपराइटर जी मिस्टर गुलशन हेमनानी जी से। हेलो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी इस शोरूम की रीओपनिंग के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके पास में कौन कौन सी ब्रांड्स है गुलशन जी? हमारे पास कैंपस, स्पार्क्स, बाटा, एक्शन, और काफ़ी जो लोकप्रिय ब्रांड है, अच्छे बड़े ब्रांड है, वो हम सब हमारे पास सबका कलेक्शन है, और उसके साथ आपको कभी स्कीम भी दी जा रही है। अच्छा, वो कस्टमर्स के लिए? कस्टमर्स के लिए जी, बताएं वो भी। कस्टमर्स के लिए स्कीम है कि अभी हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। ओके, 25% डिस्काउंट आपको बड़े ब्रांड है, वुडलैंड, स्पार्क्स, कैंपस, जितने भी ब्रांड लेंगे सब पर 25% हो जाता है। और एक बार हमारे शोरूम पर आकर देखें कितनी वैरायटी हम मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक तो नए कस्टमर और जो कस्टमर नहीं जुड़े हुए हैं उन सब के लिए इतना अच्छा 25% का जो बेनिफिट चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करें। इसके साथ एक आपने जो ये अच्छे सारे ऑफर्स दिए हैं और अच्छा से अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ आप चालू किया, एक सवाल हमारे मन में तब भी था और आज भी है कि इतना बड़ा लॉस हुआ था, इतना बड़ा नुकसान, जो मतलब एक जो फायर जो लगी थी उसके बाद में भी आपके जो हौसले हैं वो अच्छी तरह से बुलंद है, वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है, कि मतलब आप इतना अपना मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? बचपन से लेकर बड़े तक तुमने एक ही चीज़ सीखी है कि हर चीज़ का नुकसान होता है, हर चीज़ नष्ट होती है। हाँ सही बात। ऐसी कोई चीज़ ही जो रेगुलर हमेशा रहेगी? आप किसी बीज को भी आप देख लीजिए, हम लोग इस प्रकृति से कुछ सीखेंगे, एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए फूटना पड़ता है। सही बात है। उसी तरह से नेगेटिव चीज़ें अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारी है, और पॉजिटिव वे में जाते रहेंगे तो हर एक चीज़ किसी अच्छी के लिए होती है। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा नुकसान था वो किसी अच्छे के लिए हुआ है, और हमेशा उसके लिए मैं गॉड से हमेशा विश्वास हमेशा रहेगा मेरा, ताकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। और एक बड़ी चीज़ होती है विश्वास, और यही हौसला जो हम आपको दिखाना चाहते थे वो था। तो बस मैं यही चाहूँगा कि, और प्लस एक चीज़ और हम कहेंगे कि आप हमारे जो ये हमने ब्लॉग बनाने का काम चालू किया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉग के लिए? मैं आपके ब्लॉग के लिए कहना चाहूँगा कि आप तो स्टार हैं गुलापरा के, जो भी आप काम करते हैं अच्छा ही करते हैं, और अभी कभी लोकप्रिय हैं आप। अब आपके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे मतलब मेरी टीम मिलके हम सब गुलापरा के मार्केट के लिए हम काम, तभी आप हैं। बस वो तो है ही, आप हैं तभी टीम है, तो सब कुछ अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो मैं जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो वीडियो आता है उसमें पॉजिटिव अच्छी होती है, आप हमेशा एक मैसेज छोड़ते हैं किसी वीडियो के लिए,
तो ये सब चीज़ें आपकी अच्छी है, आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, खुद के वीडियो भी बना रहे हैं, तो मतलब मेरी तरफ से तो आप सुपर है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत इम्प्रेस हूँ, आप काफ़ी अच्छी एंकरिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी एंकरिंग देखी है, काफ़ी शादियों को मैं जाता हूँ, मेरे साथ जो भी आते हैं मतलब वो पूछते हैं क्या ये कौन है यार, मैं कहता हूँ ये मैं कौन नहीं है, मेरा भाई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बचपन से आप मेरे फ्रेंड हैं, वैसे ही भी आप से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आप पहले जो आप थे आज जो आप हैं काफ़ी फर्क है, और अब मेरे को लगता है कि और आप ऊपर जाने वाले हैं, अब वो जो फर्क मिलेगा शायद अब आज हम लोकल टीवी मिल रहे हैं कल इंटरनेशनल टीवी में। नहीं, नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, हमेशा जुड़ा रहूंगा आपके साथ, तो बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये चूड़ी गली के अंदर जो हमारा मोहन ब्रांडेड फुटवेयर है, प्लीज आप विजिट कीजिए, एक बार सेवा का मौका दीजिए और हमारे इस लोकल मार्केट को थोड़ा सा बढ़ावा दें। जुड़े रहेंगे फिर से आपसे अगले ब्लॉग पर। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट व्लॉग जिसमें हमने आपको आपके लोकल एरिया के अंदर जो एक शू का जो एक बढ़िया सा शोरूम है वो हमने आपको दिखाया। ऐसा नहीं है कि हम हमारे व्लॉग में खाली है ना पर्टिकुलर इसी शोरूम पे चल रहे हैं, हम आगे से आगे जो भी हमारे गुलाबरा के अंदर जो जरूरत की चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती है ये सारी चीज़ें बताएंगे, और ये बताने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें आपको भी ध्यान होना चाहिए कि ये एक्चुअली जो ये शॉप है जो हमने बताई मोहन ब्रांडेड फुटवेयर, वो है अपने यहाँ गुलाबरा के अंदर चूड़ी बाज़ार है, उस चूड़ी बाज़ार वाली गली के अंदर है, चारभुजा नाथ मंदिर के सामने। तो आप आइए एक बार विजिट कीजिए, और इसी के साथ हम आपको फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास में भी आएँ और आपके बारे में भी बताएँ तो मेरे साथ मेरी टीम के साथ आप हमसे संपर्क कीजिए, हम ज़रूर आपसे मिलेंगे और ज़रूर बताएंगे कि हमारे गुलाबरा के अंदर मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जिसके लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, हम इधर उधर भागते फिरते हैं, वो चीज़ें हट जाए। ठीक है, तो थैंक यू, जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरी टीम के साथ। MKT वाइंस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ MKT व्लॉग्स पे भी आप ध्यान दीजिएगा, वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कितने नहीं। थैंक यू सो मच।